हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हिना। सो गाइस, मैं आज आपके साथ में बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड की जो भी यूनिट है उसके बारे में एक ब्रीफली ओवरव्यू आपको देने वाली हूँ कि इस कोर्स के अंदर मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ एंड इस यूनिट में क्या है। गाइस, आई एम रियली सॉरी, मैंने सुबह 8 बजे ही वीडियो बना दी थी आपके लिए, आपको सुबह 8 बजे ही मिलने वाली थी, बट आई डोंट नो मेरे लैपटॉप के साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं 10 मिनट की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बट उसमें सिर्फ 4 मिनट की ही रिकॉर्डिंग हो पा रही थी। मैंने 6 टाइम्स ये किया बट आई डोंट नो, बार बार वही सब हो रहा था। अब मैंने फिर से अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करके बहुत सारे चेंजेस करके मैं फिर से आई हूँ आपके लिए। सो अगर इस बार भी नहीं होता है तो फिर देखते हैं क्या करना है आगे। सो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड उसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एंड आप मुझे हैट्स भी डेडिकेट कर सकते हो, एंड यहाँ से आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना। आपको मेरे जो भी न्यू कोर्सेज लेसन्स आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। उसके अलावा ये सब जो कोर्सेज है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनके कोई चार्जेस नहीं है, आप इन्हें फ्री देख सकते हो कभी भी। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी टाइम नहीं मिल रहा है या आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप इन्हें स्लाइड के फॉर्म में भी रीडअप कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो या आपके लाइब्रेरी में भी ऐड कर सकते हो कि हाँ ये कोर्सेज मुझे देखना है। सो मेरे अब तक 15 कोर्सेज अनअकैडमी पे लॉन्च हो चुके हैं जो कि मार्केटिंग, टीचिंग, कम्युनिकेशन, रिसर्च, बैंकिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट, इन सब के ऊपर मैंने अब तक बनाए हैं। और भी कुछ होगा तो मुझे याद नहीं आ रही बट इतने कोर्सेज तो फॉर श्योर है आपके लिए, तो आप ज़रूर देख लेना। चलो अभी स्टार्ट कर देते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग एनी यूनिट लेट्स हैव एन आइडिया अबाउट इट। सो हियर आइडिया का मतलब क्या होता है, ठीक है? आइडिया का मतलब यहाँ पे क्या, बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इस यूनिट में क्या क्या सब टॉपिक्स इन्वॉल्व है। सो उसके बेसिस पे आप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है पता है, बहुत सारे जन ऐसे होते हैं कि वो यहाँ से पढ़ेंगे, वहाँ से पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, सब पढ़ते बैठेंगे बट वो सिलेबस ही नहीं देखते सिलेबस क्या है। फिर एट द एंड एग्जाम में जब ये आता है कुछ पता नहीं ये भी था सिलेबस में, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो कुछ और पढ़ा था। तो इस तरीके की चीज़ आपके साथ में नहीं हो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी तो प्लीज़ पहले सिलेबस अच्छे से देख लेना। दिस यूनिट कंटेंट इज टू ईजी टू अंडरस्टैंड इफ यू फोकस प्रॉपरली। सो ये जो यूनिट है इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, अगर आप हर एक पॉइंट्स को अच्छे से रीड आउट करते हो, समझ लेते हो तो जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाए उसे आप इजीली क्रैक कर सकते हो। Questions asked in this unit are mostly from teacher-centric and learner-centric, like their characteristics, their effectiveness, which point should not be included, and like this questions comes. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक example देके समझाती हूँ। अब मान लो यहाँ पे पूछा है what are the characteristics of teacher? ठीक है, ये question आपको यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे आपको option दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 ये आपको दिए है, यहाँ पे सब कुछ पॉइंट्स दिए है आपको 7 पॉइंट्स, ठीक है? उसके बाद में आपको नीचे देंगे ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पे आपको दे देंगे मान लो 1, 3, 4 यहाँ पे सपोज आपको दे रहे 2 और ऐसा ऐसा कुछ हो, यहाँ पे भी 2 आगे और कुछ हो पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे भी 2। अब आपको पूछा है कि इसमें से कौन से टीचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आप जब रीड कर रहे हो ना तो कोई कोई पॉइंट आपको रीड करके पता चल रहा है अरे यार ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी दे रखा है लोगों ने। तो अब जैसे अगर मान लो ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है, ये लोगों ने कुछ भी दे रखा है तो आपको पता है ये फॉर श्योर नहीं होगा आपके आंसर में, तो ऑटोमेटिकली बी सी डी आप यहाँ पे कट कर दोगे, तो बचा कौन सा ए, तो यहाँ पे आपका ए आंसर सही हो जाएगा। तो इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड है, कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, इसे हम एकदम डिटेल में विल स्टडी दिस मेथड इन डिटेल, ठीक है, क्योंकि हम इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। If you read it properly, you can get the answer right by the elimination method. Mostly, this method is used for solving lengthy questions with sub-options. Next, लिखते हैं syllabus of teaching aptitude. ठीक है, अब यहाँ पे syllabus लिखते हैं. Teaching, concept, objectives, level of teachings.
लेवल ऑफ टीचिंग को मैंने ऐसे याद किया, अबे यार तेरा लेवल तो मुर है, ठीक है, तो मुर MUR, ठीक है, मैंने ऐसे याद रखा। मैंने बहुत स्टोरीज बना बना की चीजें याद रखी है, हालांकि ये तो बहुत ज्यादा छोटी चीज है, इसके लिए ज्यादा बड़ी स्टोरी जरूरत नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट से टीचिंग रिसर्च एंड पेपर टू के तो मैंने बहुत सारी स्टोरीज बना बना की चीजें याद की हुई है। तो आपका एम है मेमोरी, यू अंडरस्टैंडिंग, आर है आपका रिफ्लेक्टिव। तो एम आपका दिया है हर्बर्ट ने, दैट इज मेमोरी अगर आपका हर्बर्ट ने दिया है, अंडरस्टैंडिंग इज गिवन बाय मॉरिसन एंड रिफ्लेक्टिव इज गिवन बाय हंट। देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स, ठीक है, आपको पूछ सकते हैं पेडागॉजी किससे रिलेटेड है, एंडागॉजी किससे रिलेटेड है, हुटोलॉजी किससे रिलेटेड है, ह्यूरिस्टिक अप्रोच किससे, सेल्फ स्टडी अप्रोच किसने दिया है, इस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल एंड कॉग्निटिव, कॉग्निटिव इज बेसिकली थिंकिंग। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर एंड सपोर्ट मटेरियल, ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं टीचिंग को। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, दैट इज लर्निंग एनवायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद आ जाता है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, जो कि टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड में आपका आ सकता है मान लो थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन टू एन एक्सटेंट आ सकता है, क्योंकि टीचर ही करके बताती है, सब स्टूडेंट्स को चांस नहीं मिलता है उसके अंदर। आपका लेक्चर मेथड आ सकता है टीचर सेंटर्ड में, देन आपके सेमिनार हो गए, कॉन्फ्रेंस हो गए, इसमें एक्सपर्ट आते हैं बेसिकली। उसके अलावा लर्नर सेंटर्ड में आपका आ सकता है सेल्फ स्टडी, हुटोलॉजी, एंडागॉजी, होलिस्टिक अप्रोच, ये सब आपके लर्नर सेंटर्ड मेथड, डिस्कशन भी आपका इसमें आ जाएगा। देन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड्स, जिसमें आपका स्वयं प्रभा एंड मॉक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। नेक्स्ट है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जो कि ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड। उसके अलावा इवैल्यूएशन सिस्टम, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब आपके इवैल्यूएशन में हो सकता है फॉर्मेटिव, सबमेटिव, देन आ सकता है आपका स्टैंडर्डाइज, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन, इंटरिम, बेंचमार्किंग, ये सब अलग अलग टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे इवैल्यूएशन। नेक्स्ट आ जाता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन। अगर आपने देखा हो रिसेंट टाइम में, तो जो कॉलेजेस में अभी अगर आपने देखा होगा, आपके इसमें बीकॉम लेवल पे भी, एमकॉम लेवल पे भी आपको अभी ग्रेड मिलते हैं। मेरे कॉलेज की बात कर लेती हूँ, मेरे कॉलेज में ओ से ग्रेड स्टार्ट होता है, ओ से वी हैव ई तक, ओ ई ए बी सी डी ई तक वी हैव ग्रेड्स, ठीक है। तो इसमें कैसा रहेगा पता है, अगर 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, 70 से ज़्यादा मिलता है ना, 70 एंड मोर, तो ओ ग्रेड अलॉट करते हैं। फिर अगर मान लो आपका 60 से 69 है, देन यू विल गेट ए ग्रेड। फिर वो लोग क्या करते हैं, सबका ना एवरेज ले लेते हैं हर सब्जेक्ट्स का, जितना भी सब्जेक्ट्स है, एंड उनके जो ओवरऑल ग्रेड होता है ना, फिर वो आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से ये सिस्टम भी चालू हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं CPG वाला, वो वाला, जैसे 9 मिल गया, 7 मिल गया वैसे। नेक्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इनोवेशन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे बस आपके साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या है वो मैंने यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस किया है, ताकि आपको एक रफली आइडिया हो जाए कि इस यूनिट में हमें क्या क्या कवरअप करना है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो भी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगी ना, उस टाइम पे आप आपके साथ में बुक लेके बैठना, ताकि जो भी मैं पॉइंट्स आपको बोलती हूँ आप नोट डाउन कर लेना, एंड क्लास सुन के बाद में आप उन्हें सर्च करके थोड़ा अपना अगर कुछ होमवर्क भी दूंगी, क्योंकि अगर मैं सब आपको करवाऊंगी ना, तो फिर आप खुद से कुछ इनिशिएटिव नहीं लोगे करने का। तो मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगी वो आप नोट डाउन कर लेना, एंड कुछ कुछ पॉइंट्स आप खुद से सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो आई होप यू लाइक द क्लास, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।